सर्व दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इन्वेस्टर के लिए आ रहा है फिर से एक बढ़िया सी कमाई करने का मौका। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही आने वाला है एमिक फॉर्जिंग लिमिटेड का IPO। 34.80 करोड़ रुपए जुटाने की ये कंपनी की है योजना। जी हाँ, क्या है IPO की डिटेल और कब तक आप इस IPO में अप्लाई कर पाओगे और क्या इस IPO के जरिए आपकी वेल्थ क्रिएट हो पाएगी, सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। सर दोस्तों, मैं रिकॉर्ड प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए IPO की अपडेट के साथ। फॉर्जिंग उद्योग में निर्माता और विभिन्न उद्योगों के लिए फॉर्ज घटकों के निर्माण में लगी हुई कंपनी एमिक फॉर्जिंग लिमिटेड लाने जा रही है अपना IPO। इस IPO के जरिए कंपनी 34.80 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। एमिक फॉर्जिंग लिमिटेड कंपनी का IPO 29 नवंबर से ओपन होगा और आप इसमें 1 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ, तो आपके लिए मौका है इसमें इन्वेस्ट करके आपकी वेल्थ बनाने का। कंपनी IPO के जरिए 34.80 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है, जिसमें IPO के जरिए कुल 27,62,000 इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। इस IPO की फेस वैल्यू और प्राइस बैंड की मैं बात करूं, तो कंपनी ने इसके लिए 10 रुपए की फेस वैल्यू और 121 से लेकर 126 रुपए तक का इसका प्राइस बैंड तय किया है। इस IPO में 50% शेयर जो है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, 15% शेयर जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और 35% शेयर जो है वो रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखे हैं। ऑफर के जरिए इन्वेस्टर कम से कम 1,000 इक्विटी शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टर को कम से कम 1,26,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप 1,000 शेयरों के लॉट में बिड कर सकते हो। मिस्टर गिरधारी लाल चमरिया, मिस्टर अंशुल चमरिया, मिस मंजू चमरिया एंड मिस रश्मि चमरिया इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं। इस IPO का अलॉटमेंट आपको 6 दिसंबर तक हो सकता है, वही 11 दिसंबर को ये BSE MSE में लिस्ट होने के लिए रेडी हो जाएगा। ग्रेटेक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड इसका बुक रनिंग लीड मैनेजर है। वाइल्ड बिक्सर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इस इश्यू का रजिस्ट्रार है और जेटेक्स सेल्स ब्रोकर्स को इस इश्यू के मार्केट मेकर के लिए तय किया गया है। अब बात करते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। 2007 में इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनी एमिक फॉर्जिंग लिमिटेड, जिसे पहले कांडी माता फॉर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, विभिन्न उद्योगों के लिए जानी घटकों का निर्माण करने वाली कंपनी है और ये कंपनी काफ़ी बढ़िया कंपनी है। कंपनी राउंड्स, शार्ट्स, ब्लैंक्स जैसे सटीक मशीनरी कृत घटकों को पूर्ण तैयार इंजीनियरिंग स्पेयर पार्ट्स का निर्माण करती है। ग्राहक निर्देशकों और AISI PS IS DIN आदि जैसे इंटरनेशनल मानकों के अनुसार गियर कंपेनिंग हब राउंड्स, फ्लेंज और अन्य सभी प्रकार के इंजीनियरिंग स्पेयर्स, हैवी इंजीनियरिंग, स्टील इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, रिफाइनरिया, थर्मल पावर, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत, सीमेंट उद्योग, चीनी और अन्य संबंधित उद्योगों जैसे विभिन्न उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये उत्पादक मुख्य रूप से कार्बन स्टील, मिक्स धातु उत्पाद, स्टेनलेस स्टील, निकल और टूल्स मिश्र धातुओं में निर्मित होते हैं। सो दोस्तों, काफ़ी यूनिक कंसेप्ट है इस कंपनी का और काफ़ी यूनिक कंपनी है ये भी। या दोस्तों, कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स की मैं बात करूँ तो उस पर भी एक नज़र डाल ही लेते हैं। 2022 में कंपनी का रिवेन्यू 71.38 करोड़ रुपये था और इसका नेट प्रॉफिट 8.66 करोड़ रुपये था, जो फाइनेंशियल 2023 में बढ़कर 116.81 करोड़ रुपये हो गया और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होते हुए 9.80 करोड़ रुपये पर यह पहुंच गया। यह दोस्तों, कंपनी ने काफ़ी बढ़िया ग्रोथ किया है, काफ़ी अच्छी छलांग लगा रही है और कंपनी आपके लिए रेडी है IPO लाने के लिए। जी हाँ, इस IPO को लेके आप कितना रेडी हो और आप कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही IPO की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट IPO की अपडेट के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।